आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। नशे में युवक ने कर दी भाई की हत्या, लाठी से सर पर वार कर मार डाला, फिर करने जा रहा था अंतिम संस्कार। आरोपी अरेस्ट। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में नशे ने युवक को इतना बेरहम बना दिया कि उसने अपने ही छोटे भाई की जान ले ली। दोनों भाइयों में मामूली झगड़ा हुआ था, लेकिन बड़े भाई ने आवेश में आकर लाठी से छोटे भाई के सिर पे इतने वार किए कि उसकी मौत हो गई। इसके बाद वो चोरी से उसको जलाने जा रहा था। सूचना मिलते ही दुर्ग पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार किया। घटना दुर्ग जिले के नवईश थाना क्षेत्र की है। थाना प्रभारी ममता शर्मा ने बताया कि आरोपी नरेंद्र कोठारी 30 साल मरोदा स्टेशन पटेल पारा का रहने वाला है। उसने अपने छोटे भाई नरसिंह कोठारी 26 साल की हत्या कर दी। घटना 1 अगस्त रात की है। आरोपी कभी नशे में घर पहुंचा था, वहां उसके छोटे भाई नरसिंह से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। दोनों भाई नशे में थे, इससे वो लोग हाथापाई पर उतर आए। आवेश में आकर नरेंद्र ने पास पड़े बांस के डंडे से नरसिंह के सर पर ताबड़तोड़ कई वार किए, इससे वो लहूलुहान होकर वहीं ढेर हो गया। छोटे भाई की मौत के बाद नरेंद्र ने घर वालों को राजी किया और रात भर शव को घर में छिपा कर रखा। ना तो इसकी जानकारी पुलिस को दी और ना ही रिश्तेदारों को। चोरी छुपे अंतिम संस्कार करने की फिराक में था आरोपी। CSP भिलाई नगर निखिल रखेजा ने बताया कि हत्या के बाद घर वालों ने भी आरोपी का साथ दिया। उन्होंने पुलिस को हत्या की सूचना नहीं दी। इसके बाद बुधवार सुबह नरेंद्र उठा और बिना पुलिस व अन्य रिश्तेदारों को जानकारी दिए अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहा था। वो रिसाली निगम में शव वाहन की तलाश में गया था। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली और उन्होंने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने छोटे भाई की हत्या करना स्वीकार किया। शराब के नशे में दोनों भाई आए दिन करते थे विवाद। पुलिस की माने तो दोनों भाई को शराब पीने की लत थी। आए दिन वे लोग नशे की हालत में काफी झगड़ा और मारपीट करते थे, इसलिए जब उसकी हत्या हुई तो उस दिन भी आसपास के लोगों ने यही सोचा कि वे लोग शराब के नशे में झगड़ा कर रहे हैं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे।